तो दोस्तों हम आ गए समुद्र के किनारे पर, एक तरीके से एक पड़ाव पार किया है और कोणार्क से निकला है। आज यात्रा का 21वां दिन है। अब जा रहे हैं पुरी की तरफ, यहाँ से 38 किलोमीटर दूर है और पूरा रास्ता समुद्र के किनारे से गया। मिलेगा आपको हिंदी आती है? आपको हिंदी आती है? हिंदी कम कम थोड़ा थोड़ा अपना हो गया। तो दोस्तों यहाँ से हम बीच की तरफ जा रहे हैं क्योंकि जो मठ और आश्रम है वो सब बीच पे ही बने हुए हैं और जो मुख्य जगन्नाथपुरी मंदिर है वो बीच से थोड़ा सा पहले 2-3 किलोमीटर पहले है। तो यहाँ से दो रास्ते हैं, एक सीधे जाके हम जगन्नाथपुरी मंदिर की तरफ जाएं या बीच की तरफ मुड़ जाएं। तो हम इस्कॉन टेंपल जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं क्या व्यवस्था हो सकती है। इस्कॉन में व्यवस्था नहीं हुई, अब अपन जा रहे हैं पुरी के आसपास कोई धर्मशाला ढूंढने। तो आप खाना यहीं खाते हैं? खाना यहीं खाते हैं आप आज? अच्छा अच्छा, आज खाए हम एक ही टाइम का मतलब अच्छा प्रसाद खाते हैं। अच्छा अच्छा, फाइनली एक मठ में जगह मिल गई है। ये कमरा है, बहुत मुश्किल से मिला है, 3-4 जगह भटके तब जाके एक जगह पर ये मठ में कमरा मिला। पुलिस थाने से हेल्प मांगी, उन्होंने कहा नहीं हो सकता। एक दो धर्मशालाओं में गए, नहीं जगह नहीं है। तो ऐसा ऐसा चलता रहा। यहाँ पर बहुत, यहाँ से 400 मीटर दूर है मंदिर लक्ष्मी बाज़ार में, ठीक है वो हम जा रहे हैं मंदिर से लक्ष्मी। ये सब आसपास मठ और धर्मशाला हैं, वो दिख रहा होगा आपको मंदिर। इतनी भीड़ रहती है कि धर्मशालाओं में जगह ही नहीं मिलती। चप्पल और मोबाइल वगैरह रखना पड़ेगा। तो दोस्तों दर्शन हो गए हैं जगन्नाथ मंदिर के, वहाँ आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। और जो मैंने आपको पहले जगह दिखाई थी जहाँ पर अपने मोबाइल और कैमरा और जितने भी चमड़े का सामान है वो जमा हो जाता है, वो सामने है और वो निशुल्क सेवा रहती है, उसका कोई पैसा नहीं लगता। और फिर वहाँ से सामने से लाइन लगती है और अंदर जाते हैं। अंदर बहुत सारे मंदिर हैं, एक मंदिर नहीं है, बीच में जो मुख्य मंदिर वो है। वहाँ सुभद्रा जी, कृष्ण जी और बलराम जी की मूर्ति है और उसके बहुत सारे फैक्ट्स हैं उस मूर्ति के, कृष्ण भगवान की मूर्ति के। उसमें कहते हैं कृष्ण भगवान का असली दिल धड़क रहा है और हर 12 साल में वो मूर्ति चेंज होती है और बहुत सीक्रेटली चेंज होती है, क्योंकि जो मुख्य पुजारी हैं उनकी आंखों में पट्टी बांध कर और उनको दस्ताने पहना कर वो जाते हैं और उनको कुछ वो देख नहीं सकते। और वो एक मूर्ति से अंदर का जो पदार्थ है वो, जिसको दिल बताया जाता है, वो दूसरी मूर्ति में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और भी कुछ फैक्ट्स हैं, मतलब ये एक तरीके से चमत्कार का केंद्र कहा जाता है। जैसे वो सामने मंदिर के ऊपर जो सुदर्शन चक्र है, कहते हैं कि आप जिस एंगल से देखोगे बिल्कुल वहाँ से ऐसा लगे कि आपकी तरफ है। तो ये एक फैक्ट है, मैंने चेक किया था लेकिन ऐसा मुझे अभी लगा नहीं, वो हो गया था थोड़ा तिरछा, हो सकता है कि कुछ और तरीका हो उसका। और बहुत सारे इसमें एक चीज़ ये बताते हैं, कि इस मंदिर के ऊपर से कभी कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया, मैं तब से देख रहा हूँ, मुझे तो नहीं दिखा खैर। और हाँ, अंदर एक चीज़ और है कि प्रसाद मिलता है, वो उसकी वो ख़रीदना पड़ता है, 50 रुपये की थाली रहती है, पत्तल में देते हैं और बहुत स्वादिष्ट रहता है। उसमें खीर और कद्दू की सब्जी, चावल और 2-3 प्रकार की और चीज़ें रहती हैं। और सुबह जो भोग लगता है मीठा भगवान का, वो भी मिलता है, वो भी ख़रीदना पड़ता है। तो अंदर खूब भीड़ रहती है और सच में अंदर है ना इमोशन चेंज हो जाता है जब आप मूर्ति के सामने जाओगे, तो आपके अंदर से एक श्रद्धा भाव, भक्ति भाव अंदर से आता है।
तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने कमरे पर, मज़ा आ गया आज, बहुत अच्छा लगा इतने दिनों बाद। बस एक ही प्रॉब्लम थी, अगर मैं